हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक सैम्पल पेपर एलटी इंग्लिश का, हम इसे कह सकते हैं, जिसमें मैंने इंक्लूड किए हैं क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड एंड लिटरेचर से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड। आई होप कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डेस्डिमोनास फादर इन द प्ले ओथेलो। ओथेलो जो कि एक ट्रेजिक प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इसकी जो हीरोइन होती है वो है डेस्डिमोना। तो इनके फादर का क्या नेम है, ब्रेबेंचियो, इयागो, रोड्रिगो या फिर ओथेलो? तो इनके फादर का नेम है ब्रेबेंचियो इस प्ले में। और अगर क्वेश्चन आता है कि इस प्ले का एंटागोनिस्ट कौन है, एंटागोनिस्ट मीन्स विलन कौन है, तो इयागो जो होता है वो इसका विलन होता है। नेक्स्ट इज कॉमस बाई जॉन मिल्टन इज एन। तो कॉमस 1634 में ये प्ले लिखा था। ये क्या है, बैलेड है, एपिक है, मास्क है या फिर सोनेट है? तो ये एक मास्क है। एंड अगर कॉमस का से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसका सबटाइटल से रिलेटेड, तो इसका सबटाइटल है द वर्च्यू रिवॉर्डेड। ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज मुराद इज द कजन ऑफ, मुराद इज द कजन ऑफ, ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी जो स्नैपशॉट है 11th क्लास की, उसका फर्स्ट चैप्टर है जो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक ये चैप्टर है उससे है कि उसमें एक कैरेक्टर है मुराद जो कि 9 साल का एक बच्चा है, जो एक दो बच्चों की स्टोरी होती है मेनली, वो मुराद एंड एरम जो कि आर्मेनियन बॉयज होते हैं, जो कि और वो किसके लिए जाने जाते हैं, अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरी है। तो एरम जो है वो कौन होता है, वो इसका कज़न है, मुराद एंड एरम कज़न होते हैं। अनदर करेक्टर इसमें से जॉन बायरो है, जॉन बायरो जो इसमें एक घोड़े की स्टोरी होती है, जिस घोड़े को मुराद चुरा के लेके आया होता है उसका जो ओनर होता है वो है जॉन बायरो। एंड खुसरो, अंकल खुसरो करके एक करेक्टर है, ये इनके चाचा होते हैं। नेक्स्ट इज द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज रिटन बाय, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव या रस्किन बॉन्ड? तो इट इज रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण ने एक ट्रिलॉजी लिखी थी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर एंड द बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसी ट्रिलॉजी का ये वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथरीन वुडकॉक इज द वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन डन, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ? तो कैथरीन वुडकॉक किसकी वाइफ थी, जॉन मिल्टन की, ये इनकी सेकेंड वाइफ थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी इज रिटन बाई अमिताभ घोष एज अ ट्रिब्यूट टू हिज राइटर फ्रेंड आफ्टर डेथ? तो द घाट ऑफ द वर्ल्ड इसका सही आंसर है। शाहिद करके इनका एक फ्रेंड है, मतलब होता है अमिताभ घोष का, जिनको कि क्या होता है, कैंसर होता है और कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है। तो अपनी डेथ से पहले वो अमिताभ घोष को बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बारे में जरूर कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अमिताभ घोष ने एक वर्क लिखा, द घाट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव बर्थ टू अ बॉय इन बर्थ, बर्थ इज अ चैप्टर इन क्लास 11th स्नैपशॉट, जो कि स्टोरी है दो कपल्स की जो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आफ्टर 20 इयर्स ऑफ मैरिज। तो उसमें सुजैन गिव बर्थ टू अ बॉय, सही आंसर होगा उसका सुजैन। नेक्स्ट इज लिरिकल बैलेट्स पब्लिश इन द ईयर, लिरिकल बैलेट्स अ कलेक्शन ऑफ पोम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रोमांटिक एज के मैनिफेस्टो के फॉर्म में लिरिकल बैलेट्स आया था। तो ये कब पब्लिश हुआ था, 1798 में। क्वेश्चन, द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिड इज ब्राइट, सिंपल, फ्रैंक और चाइल्डिश? तो इसका सही सिनोनिम होगा फ्रैंक। नेक्स्ट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज खुशवंत सिंह, फर्स्ट चैप्टर है आपका ये। नेक्स्ट, वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड, हर्बीवोरस, क्रेडुलस, ग्रिगेरियस या फिर ओमनीवोरस? तो हर्बीवोरस मींस होता है जो शाकाहारी होते हैं वो, क्रेडुलस मींस जो किसी भी बातों पे मतलब बहुत जल्दी एकदम से विश्वास कर लेता है, ग्रिगेरियस जो लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज ओमनीवोरस यानी कि जो सब कुछ ईट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ओमनीवोरस। नेक्स्ट, द डंक ईयर इज एसोसिएटेड विद ड्राइडन, एलेक्जेंडर पोप, जॉनसन और आर्नोल्ड? तो इट इज अ पोम रिटन बाय एलेक्जेंडर पोप, करेक्ट आंसर इज एलेक्जेंडर पोप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द नोवेल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग? तो उसका करेक्ट आंसर होगा टॉम जोन्स, जो कि लिखी है हेनरी फील्डिंग ने। डेस्परेट रेमेडीज ये है थॉमस हार्डी की, एंड माय स्टोरी है आपकी कमला दास की, एंड द शेडो लाइन्स हैं अमिताभ घोष की। नेक्स्ट इज द सिनोनिम ऑफ डेलीगेंट इज इंटेलिजेंट वाइज टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग। तो इंटेलिजेंट क्या जो सिनोनिम है वो है हार्ड वर्किंग, इसका मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगिन इन इटली? 13th, 14th, 15th और 18th। करेक्ट आंसर इज 14th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिंडेरिक ओड कंसिस्ट ऑफ, तो जो पिंडेरिक ओड होता है उसमें थ्री पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, स्ट्रोफे, एंट्री स्ट्रोफे एंड एपोड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रोफे, एंट्री स्ट्रोफे एंड एपोड। नेक्स्ट इज मिसेस एस इज अ कैरेक्टर इन, तो ये कैरेक्टर होता है द एड्रेस का। सही आंसर है द एड्रेस। नेक्स्ट, हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म? तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म ये लिखा था आपका शेले ने, पी बी शेली, पर्सी बाइसी शेली इनका पूरा नाम है। बहुत बार फुल फॉर्म भी हमसे पूछ लेता है या मिडिल नेम पूछ लेता है। नेक्स्ट इज Who was chosen as the new king in Tale of the Melon City? Tale of the Melon City written by Vikram Seth। तो इसमें लास्ट में जो मेलन होता है उसको किंग चुन लेते हैं, और उसको किंग कौन चुनता है, मतलब एक ऐसे ईडियट टाइप का इंसान होता है, क्योंकि उसको मेलन पसंद होते हैं, वो बोलता है कि अगला राजा कौन होगा, मेलन होगा। नेक्स्ट, हु वॉज द फॉर्चून टेलर इन मदर्स डे? मदर्स डे एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। एक स्टोरी है ये, मतलब एक लेडी की, कि मतलब एक मदर है वो, उसकी स्टोरी है कि वो अपना फुल डेडिकेशन देती है अपनी फैमिली को, लेकिन फिर भी उससे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो फिर एक जो फॉर्चून टेलर होता है वो उससे अपनी स्प्रिट को एक्सचेंज कर लेती है। तो उसका नाम है मिसेस फिट्जगेरल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोस्टिकल सबलाइम? तो ये कहा था आपका कीट्स ने। सही आंसर होगा जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज लेडी ऑफ प्राइस? जॉन डन, मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या विलियम शेक्सपियर? तो जॉन मिल्टन को जो है, जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ते तो कैम्ब्रिज में उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था, क्योंकि वो दिखते थे मतलब एक लड़की की तरह, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीच होम माय चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। तो इसका सही जो टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी एनिमी इज अबाउट चाइनीज डॉक्टर एंड अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन एंड स्पेनिश सोल्जर, चाइनीज सोल्जर एंड अमेरिकन सोल्जर? तो इसका सही आंसर है चाइनीज डॉक्टर एंड अमेरिकन सोल्जर। पर्ल एस ब्रक की स्टोरी है। इसमें मतलब ये है कि जो एक चाइनीज डॉक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं जापानीज डॉक्टर है, उनके वहाँ पे एक अमेरिकन सोल्जर आ जाता है, तो जो अमेरिकन सोल्जर होता है वो वुंडेड होता है, तो एज अ डॉक्टर उनको ये डायलेमा होता है कि वो उसका इलाज करें या फिर इसका ना करें, तो इसी के ये स्टोरी है। नेक्स्ट इज व्हेन शी डैश हर टी शी फेल्ट रिफ्रेश्ड, हैव हैड, हैड, हैव टेकन और हैव टुक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ बखात सिस्टर इन आनंद अनटचेबल? मुल्कराज आनंद की स्टोरी है अनटचेबल, उसमें बखात के सिस्टर का क्या नेम है, सोहिनी, मोहिनी, गौरी या कमला? तो सोहिनी जो है वो बखात के सिस्टर इसमें होती है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोहिनी। नेक्स्ट इज शाहिद हैड हिज फर्स्ट ब्लैकआउट इन द घाट ऑफ द वर्ल्ड, से ये क्वेश्चन है। तो जो उनका फ्रेंड है ना शाहिद, जिसके बारे में अमिताभ घोष ने लिखा था, उनको फर्स्ट ब्लैकआउट हुआ था फरवरी 2000 में। नेक्स्ट, द कास्केट सीन टेक्स प्लेस इन, शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें कास्केट सीन जो है वो होता है कि मतलब तीन सूटर्स आए होते हैं, पोर्शिया एक जो लड़की है उसके लिए, और एक उनको कास्केट चुनना होता है जिसमें उस लड़की का फोटो होता है, तो ये सीन आपका होता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, शी रेफर्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, डोरोथी, मैरी हचिंसन, एंटी विलन, नन ऑफ द अबव। तो ये उन्होंने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के लिए लिखा था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी हचिंसन। नेक्स्ट, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अ कर्सन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफी फेमस लाइन है, ये मेंडिंग वॉल से ली गई है। करेक्ट आंसर मेंडिंग वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेल ऑफ द मेलन सिटी इज रिटन बाय विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, नन ऑफ द अबव। इट वॉज रिटन बाय विक्रम सेठ। नेक्स्ट, रस्टी इज अ कैरेक्टर अपियर इन द वर्क्स ऑफ अमिताभ घोष, बॉन्ड, आर के नारायण, नन ऑफ द अबव। तो रस्टी जो है ये कैरेक्टर रस्किन बॉन्ड का है, फिक्शनल कैरेक्टर जो उन्होंने अपने सारे वर्क्स में लगभग इसको यूज किया है। नेक्स्ट, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर, अ कर्स इन ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ, हैमलेट और द टेम्पेस्ट। तो ये है आपका मैकबेथ की लाइन से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द रियल पोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्ट विटमैन, टी एस एलियट और एमिली डिकिंसन। तो वॉल्ट विटमैन जो एक अमेरिकन पोएट है, इनको पोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, रियल पोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट मैन ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारे सॉब्रिक्यूट से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स है, अ फायर डैश आउट इन आवर स्ट्रीट लास्ट नाइट, पास्ट की बात है, ब्रेक, ब्रोक, इज ब्रेकिंग, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट सही आंसर होगा ब्रोक, अ फायर ब्रोक आउट इन आवर स्ट्रीट लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, हु सेज दीज लाइन्स, अल्बर्ट आइंस्टीन इन स्कूल, इस चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अल्बर्ट। अल्बर्ट की जब अपने हिस्ट्री टीचर से एक आर्ग्यूमेंट होती है, स्टार्टिंग में ये लाइन है, तब उसके हिस्ट्री टीचर जब उससे पूछते हैं कि व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ये, तब अल्बर्ट ये लाइन बोलता है कि आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। करेक्ट आंसर इज अल्बर्ट। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ एमी केबली इज फ्रस्ट्रेटेड इन अ फ्रेंडली वे, रिजेक्टेड और प्रोटेक्टेड। तो एमी केबली का मीनिंग होता है इन अ फ्रेंडली वे। करेक्ट आंसर होगा हमारा इन अ फ्रेंडली वे। नेक्स्ट इज, हु वॉज द नेटिव और ऑफ द रिटर्न ऑफ द नेटिव, रिटर्न बाय थॉमस हार्डी, इसका जो प्रोटागोनिस्ट है क्लिम, वही इसका नेटिव होता है। तो सही आंसर है हमारा क्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेलम डाइड एट, इनका जो फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, जिसके लिए इन्होंने लिखा था अपना वर्क इन मेमोरियम, उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, रोम, वियना, पेरिस और लंदन। तो वियना शहर में इनकी डेथ हुई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, वियना। नेक्स्ट इज, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, चौसर द राइटर ऑफ कैंटरबरी टेल्स, उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने बोला, ईट्स ने, आर्नोल्ड ने, स्पेंसर ने या जॉनसन ने। तो मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द क्राइटेरियन इन 1922, तो ये था आपका टी एस इलियट का। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे टी एस इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच स्टेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, एवर लास्टिंग, परमानेंट, इटरनल या फिर ड्यूरेबल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ड्यूरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट अदर अवॉइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री रेफर्स टू जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर, मार्लो और शेक्सपियर। ये स्टेटमेंट था आपका मैथ्यू आर्नोल्ड का, और उन्होंने ये बोला था विलियम शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट इज, लिसिडस रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, लिसिडस जो कि एक एलिजी है मिल्टन ने लिखी थी फॉर एडवर्ड किंग, जो कि इनका एक फ्रेंड था उसके लिए इन्होंने ये एलिजी लिखी थी। नेक्स्ट इज, हु वॉज द वाइजेस्ट मैन इन द सिटी इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द टेल ऑफ द मेलन सिटी, एस्ट्रोलॉजर, टीचर, डॉक्टर या फिर अ वेरी ओल्ड मैन। तो जो एक बहुत बूढ़ा आदमी होता है वो ना देख सकता है ना ही अच्छे से चल सकता है, वो वहाँ का वाइजेस्ट मैन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज, द एंटोनिम ऑफ ग्लूमी इज ट्रेजिक, ब्राइट, डिस्गस्टिंग, नन ऑफ द अबव। तो ब्राइट जो है वो ग्लूमी का एंटोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइड वॉज रिटन बाई मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, कमला दास और राजा राव। तो द गाइड जो वर्क है वो है आर के नारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोवेल ऑफ अमिताभ घोष सेंटर्ड अराउंड रोनाल्ड रॉस। तो द कलकत्ता क्रोमोसोम जो वर्क था ये इसका सही आंसर है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
Next question. They click upon themselves as the breeze rises. These are the lines from Mending Wall, Birches, The Gift of Red Leaves of the Grass. इसका सही आंसर है बर्चेस. रस ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये वर्क है. नेक्स्ट इट्स समथिंग देयर इज मोर इमॉर्टल इवन द स्टार्स. फ्रॉम विच पोम ऑफ विटमैन्स आर दीज लाइन कोटेड. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ऑन द बीच एट नाइट, या फिर पैसेज टू इंडिया. तो ये लाइन्स हैं आपकी ऑन द बीच एट नाइट की, जो वॉल्ट विटमैन की एक पोम है. तो ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे. आई होप कि आपको इनसे अ काइंड ऑफ रिविजन आपका हो गया होगा. कुछ क्वेश्चन नए भी होंगे, कुछ आपको इसमें से आते भी होंगे, एंड ये आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहेगा. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.